Mandleef periodic table. Mandleef periodic law: the physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic weight. Mandleef ke according kisi bhi element ki physical or chemical properties unke atomic weight par depend karte hain. Agar hum Mandleef periodic table ke characteristic dekhen to first point, it is based on atomic weight. ये टेबल एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बनाई गई. 63 एलिमेंट्स आर नोन, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड. जब मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल दी थी उस टाइम पे 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए इनिशियली मेंडलीव पीरियडिक टेबल में नोबल गैसेस को नहीं रखा गया था. इसमें वर्टिकल लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन्स को देखें, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स को हम पीरियड्स कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको ग्रुप्स कहते हैं. तो इसमें 6 पीरियड्स थे और टोटल 8 ग्रुप्स हैं. वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप एंड देयर आर 8 ग्रुप इन मेंडलीव पीरियडिक टेबल. ईच ग्रुप अप टू 8 इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप. ए सब ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट एंड बी सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. इसमें 2 सब ग्रुप हैं हर एक ग्रुप में, एक ग्रुप ए, ग्रुप बी. ग्रुप ए में नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ग्रुप बी में अगर देखें तो ग्रुप बी में नॉर्मली ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया. द 8th ग्रुप वॉज कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट इन 3 रोज ट्रांजिशन मेटल ग्रुप. अगर हम 8th ग्रुप में देखें तो 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट थे, ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं. आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. द एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज. जिन एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर थी. नेक्स्ट देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल. आइसोटॉप एलिमेंट आर नॉट प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियडिक टेबल. मेंडलीव पीरियडिक टेबल एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी, इसके बाद भी इसमें आइसोटॉप्स के लिए कोई भी स्पेस नहीं था. इट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट. ये पीरियडिक टेबल एटॉमिक मास पर बेस्ड थी. एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर इन ग्रोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट. अब ये एटॉमिक मास पर बनाई गई, उसके बाद भी कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो बाद में आ रहे थे लेकिन जिनका एटॉमिक वेट पहले वाले से कम था, जैसे कोबाल्ट और निकल. तो इसमें निकल को बाद में रखा है जबकि निकल का एटॉमिक वेट कोबाल्ट से कम था. इसी तरह टेल्यूरियम और आयोडीन में देखें तो आयोडीन का एटॉमिक वेट कम है, इसको पहले रखा जाना चाहिए था बट ये बाद में रखा था क्योंकि प्रॉपर्टीज आयोडीन की इस ग्रुप के साथ मैच हो रही थी. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन द एलिमेंट. यहाँ पे इस बात का डिस्कवर नहीं किया जा सका कि दो एलिमेंट्स के बीच में कोई और एलिमेंट हो सकता है. नो फिक्स पोजिशन कुड बी गिवन टू हाइड्रोजन इन पीरियडिक टेबल. इस पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई भी स्पेस नहीं था क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन और एल्कली मेटल दोनों के सिमिलर है. एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप. जैसे प्लेटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिर भी इनको अलग अलग ग्रुप में रखा है. जैसे गोल्ड फर्स्ट बी में रखा है जबकि प्लेटिनम 8th में है, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है. एलिमेंट विद एटॉमिक मास वॉज प्लेस्ड बिफोर एन एलिमेंट ऑफ लोअर एटॉमिक वेट. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक वेट कम था लेकिन उनको बाद में रखा गया है. कॉज ऑफ पीरियडिसिटी कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड. यहाँ पे ये नहीं बताया जा पाया कि आखिर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्यों रिपीट हो रही हैं. इसमें लेंथेनाइट को कोई भी पर्टिकुलर स्पेस नहीं दिया गया था. इस पीरियडिक टेबल के अगर मेरिट्स देखें तो ये पहला सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन था. करेक्ट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट. कुछ एलिमेंट का एटॉमिक वेट करेक्ट किया गया, जैसे पहले बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13.5 था लेकिन इस पीरियडिक टेबल के बाद इसका एटॉमिक वेट प्रिडिक्ट हुआ कि 9 है. इससे कुछ अननोन एलिमेंट्स को भी प्रिडिक्ट किया गया.